विदिशा जिले के कुरवाई नगर परिषद के सभागार कक्ष में क्षेत्रीय सांसद राजबहादुर सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी, गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार उपस्थित थे। सांसद ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कोविड सेंटर कोरोना संक्रमित मरीज वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समय देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, आप सभी लोगों को मानवता दिखाते हुए काम करना है और आगे और विकट स्थिति आ सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। हमेशा अपने फोन चालू रखें, साथ ही क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधियों से समंजस बनाकर कार्य करें। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया, अगर व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। समीक्षा बैठक से पहले सांसद द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बैठक के बाद तहसील स्तर पर बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आने वाले 7 दिन की जो रिक्वायरमेंट हमारी है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होगी, तो वो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार अपने लेवल पे भारत सरकार के माध्यम से कर रही है। क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई साधन हम लोगों के पास नहीं है कि हम कोई अभी जिन यहाँ फोन बोल रहे हैं प्रोवाइड के लिए TRCM की व्यवस्था करने के, ये एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है और भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के जो हमारे CS मौल हैं, इनके माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध गति से अलग अलग सब अस्पतालों की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उसमें माननीय विधायक जी भी अभी पहुँचे थे, पर 2-3 दिन पहले हम सब लोगों ने रिफाइनरी पहुँच के वहाँ 1000 बिस्तर बेड का एक अस्थायी सेंटर चालू हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। तो वो पूरा का पूरा सहयोग DORL में कर रहा है, क्योंकि DORL के पास इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको वो कन्वर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके लगभग अभी उनकी जो क्षमता है वो 90 टन की क्षमता का उनका प्लांट चालू है, और 1-2-3 दिन के भीतर 90 टन क्षमता के प्लांट और चालू करने के वजह से उस दिन माननीय थे, ये एक सहमति बन गई थी। तो लगभग हमें लगता है कि बहुत बड़ा हम लोगों को लाभ पूरा विदिशा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मिलेगा और सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। यदि 180 टन ऑक्सीजन एक जगह मिलने लगे, क्योंकि वहाँ जो 1000 बेड का जो हॉस्पिटल है उसको केवल 10 टन की आवश्यकता है, 10 टन ऑक्सीजन की, बाकी उनके पास सरप्लस 170 टन सरप्लस ऑक्सीजन आज से 2 या 3 दिन के बाद उनको मिलने लगे। अब केवल जो अस्पताल की व्यवस्था है वो अस्पताल की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।